बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक कहा जाने वाला सवर्ण यानी कि जनरल कास्ट का वोटर केंद्र सरकार से नाराज है। केंद्र सरकार ने हाल ही में SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के किए बदलाव को संसद के रास्ते पलटकर पुरानी शक्ल में उसे ला दिया था। सवर्ण संगठनों का कहना है कि यह उनके साथ नाइंसाफी, कम से कम गिरफ्तारी के पहले पूछताछ और जांच का विकल्प खुला रहने देना चाहिए था, जिससे ST/ST कानून के गलत इस्तेमाल की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती। जबकि सरकार की दलील है कि उन्होंने कानून में कोई बदलाव नहीं किया बल्कि उसे उसकी पुरानी शक्ल केवल वापस दी है। MP में शिवराज सिंह चौहान के काफिले पर नाराज लोगों ने पत्थर बरसाए और काले झंडे दिखाए। हालांकि बीजेपी का कहना है यह कांग्रेस की साजिश है। बिहार में भूमिहार सेना ने इसी बात को लेकर हंगामा किया। देश के अलग अलग हिस्सों में SC/ST कानून में बदलाव के खिलाफ आंदोलन की तैयारियां तेज हो रही हैं। सोशल मीडिया पर कैंपेन यह भी चलने लगे हैं कि बीजेपी को वोट देने की बजाय नोटा का बटन दबा दिया जाए। हालांकि कैंपेन चलाने वालों में कितने असली वोटर हैं और कितने सोशल मीडिया के ट्रोल्स कहा नहीं जा सकता, लेकिन MP बिहार में हुई घटनाओं के बाद कुछ सवाल पूछने जरूरी हो गए। इसलिए आज हम दंगल में पूछ रहे हैं कि सवर्णों का आरक्षण विरोध आंदोलन क्या सरकार के लिए खतरे की घंटी है? क्या SC/ST के फेर में बीजेपी ने सवर्णों को नाराज कर लिया है? क्या सवर्णों के आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? SC/ST एक्ट पर कोर्ट का आदेश बदलना क्या बीजेपी सरकार का शाबानुमूमेंट है? और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर क्या वाकई सवर्णों के साथ भेदभाव होता है? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। लेकिन दंगल की शुरुआत के पहले जरा सुनिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। क्या राजनीति को हिंसक दिशा दी जाएगी? क्या राजनीति में पत्थरों का सहारा लिया जाएगा? क्या राजनीति व्यक्तिगत बैलेंस में बदल जाएगी? और सुन लो राहुल अजय जी, ये शिवराज सिंह चौहान है, अपनी जनता का सेवक, अपनी जनता का सेवक। मुझे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। जो लोग पकड़े गए हैं वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस के मित्रों ने पिछले कुछ दिनों से जैसी राजनीति प्रारंभ की है वो लोकतंत्र के लिए भी शुभ नहीं है। कांच टूटा गाड़ी चलते में वो लग भी सकता था। मैं केवल CM की बात नहीं करता, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस के चरित्र और कांग्रेस की संस्कृति को स्पष्ट करता है और इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस जिस हताशा और निराशा में है। अभी तक कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, पर अब हिंसा पर कांग्रेस उतर आई है और सत्ता के लिए कांग्रेस किस सीमा तक जा सकती है ये इसका एक उदाहरण है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ शाहनवाज हुसैन होंगे, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया हैं, वो BSP का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सूरजपाल अमू हैं, वो महासचिव हैं राजपूत करणी सेना के, पहले भी चर्चा में रहे हैं अगर आपको याद हो फिल्म पद्मावत के समय विवाद के दौरान। हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं, वो अध्यक्ष हैं यूथ फॉर इक्वलिटी के। हमारे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं जो कि SC/ST एक्टिविस्ट हैं, थिंकर हैं, पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और हमारे साथ आपको बता दें RSS के जानकार हैं प्रोफेसर संगीत रागी। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन, मेरा सवाल आपसे है, SC/ST के चक्कर में आपने अपना परंपरागत वोट बैंक भी नाराज कर लिया? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। हम समाज के सब वर्ग की चिंता करते हैं, हम किसी को छोड़कर नहीं चलते हैं। जहाँ तक SC/ST एक्ट है, इसको लेकर जो पहले का कानून था वही कानून अभी स्थापित है। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि कोई भी अन्याय किसी समाज के साथ न हो और सबकी चिंता करना हम अपना फ़र्ज मानकर उनकी सेवा करते रहेंगे। SC/ST एक्ट में जो समाज के अंदर जिस तरह की मांग थी उसको हमने पूरा किया है। हमने किसी की उपेक्षा नहीं की है। जो समाज के अंतिम पादान पर व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता करना सब लोग चाहते हैं। देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते हैं कि दलित समाज के अंदर जो लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो
अन्य समाज के लोग हैं उनकी उपेक्षा करें, वो सब हमारे साथ हैं और हम सबको लेकर चलेंगे। हम तो सबका साथ, सबके विकास के रास्ते पर, उस पथ पर चलने वाले लोग हैं, समाज में हर वर्ग की चिंता करने वाले लोग हैं। हम पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाली पार्टी है। हम किसी को भी नाराज करके चलने वाले नहीं हैं। शाहनवाज जी, पहले मुसलमान कहते थे कि आप उनकी चिंता नहीं करते, फिर दलित कहने लगे कि आप उनकी चिंता नहीं करते, अब तो जनरल कास्ट का आदमी भी कह रहा है कि आप उसकी चिंता नहीं करते। भाई, सही सवाल आपने रोहित जी कहा कि पहले ये दुष्प्रचार था कि हम मुसलमान की चिंता नहीं करते। जब हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास कहा और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हम अपनी नीति बनाते हैं तो 135 करोड़ हिंदुस्तानी को ध्यान में रखकर बनाते हैं, सबकी चिंता करते हैं, तो मुस्लिम समाज में भी जो गलतफहमी 5 साल पहले पैदा की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हुकूमत आएगी तो उनका हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, और इसलिए हम मानते हैं कि वो दुष्प्रचार भी ख़त्म हुआ। आज सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी नीति बनाते हैं तो अगर गैस की उज्ज्वला ये स्कीम है वो सब तक पहुँचती है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अग्रा हो, पिछड़ा हो, जो गरीब है सब तक पहुँचती है। टॉयलेट बनते हैं तो सबके लिए बनते हैं, बैंक का खाता खुलता है तो सबके लिए खुलता है। हम तो 2022 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां वो अगड़ी जाति का व्यक्ति हो या पिछड़ी का हो या दलित हो या मुसलमान हो, शाहनवाज जी, कोई भी गरीब न रहे। मेरे साथ तो सरकार विकास की राजनीति करती है। मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूं। सब को साथ पहले से जानते हो उनको, वो आपकी पार्टी की हरियाणा इकाई के आईटी सेल से जुड़े हुए थे। बाद में फिल्म पद्मावत का विवाद हुआ जिसमें वो करणी सेना के नेता के तौर पे सामने आए और उनके बयानों को देखते हुए आपकी पार्टी ने उनसे किनारा किया। हमारे पुराने संबंध हैं अम्मू जी से। आज वो जिस करणी सेना को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, वो करणी सेना ये कह रही है कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे। मेरे सुनिए, अम्मू जी से मेरे 25-30 साल पुराने रिश्ते हैं। मैं उनके घर पे एक नहीं अनेक बार गया हूँ। ये पुराने वाले हमारे संबंध वाले लोग हैं, युवा मोर्चा के जमाने से हमारे साथ रहे हैं, इसलिए इनके परिचय को मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, आप जरा इनकी बात भी सुन लीजिए, इसलिए आपको पता लग जाए जो चीजें आप बता रहे हैं रोहित जी, उनकी अपनी एक राय होगी। ठीक है, जरा उनकी राय सुन भी लीजिए। आपको लगता है सबका साथ सबका विकास हो रहा है और हो रहा है तो आप सड़कों पे क्यों? शाहनवाज हुसैन मेरे 30 साल पुराने मित्र हैं, इसमें लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में सबकी राय सुनना चाहिए। नहीं, मेरी राय सुन लीजिएगा सर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दरकिनार करके स्वर्ण समाज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, समर्थक रहा, वोटर रहा, आज उस वोटर को आप देख नहीं रहे हो। आप आज उन 22% लोगों की वोट के चक्कर में, शाहनवाज जी आप मेरे मित्र हैं, परंतु मैं आज मेरे नरेंद्र मोदी से, मेरा नरेंद्र मोदी कह रहा हूं, मैं जिस नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ियों में घूमता था, उनके साथ जिंदाबाद करता था, आज मैं उनके इस एक्ट के विरोध में पूरे हिंदुस्तान के स्वर्ण समाज की ओर से एक बात कह रहा हूं, ये इसके अंदर बदलाव करो, नहीं तो 2019 भारी पड़ेगा। आप लोगों ने जात पात के नाम से स्वर्णों को और दलितों को बांटने का काम किया, ये मेरा आरोप है। आप लोगों ने हमें दुखी किया है। हम लोग कह नहीं सकते, अरे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि भैया अगर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करो तो उसकी जांच होनी चाहिए। 302 की मुकदमे की जांच होती है सर, हत्या की जांच होती है, परंतु SC/ST एक्ट में ऐसा क्या है? उसकी जांच भी नहीं होगी, उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं होगी। अरे मैं भुक्तभोगी हूं शाहनवाज जी, मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट लगा, मैंने भुगता, ये तो शुक्र मानो को न्यायालय का, जिसने मेरे ऊपर मुकदमा ठोका, न्यायालय ने उसके विरोध में निर्णय दिया और उसके ऊपर 182 लगी, उल्टा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। हम लोगों ने झेला, झेल रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी से स्वर्ण समाज ये उम्मीद नहीं करता था। और मैं सरदाना जी ठोक के कह रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से कह रहा हूं, इस एक्ट के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। वो आपको वोट देते नहीं और जो देते हैं उनको आप संभालते नहीं तो आप आग लगा देंगे जैसे पहले लगा रहे थे पिक्चर के लिए। लोकतंत्र में मैं फिर कह रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान मेरे मित्र हैं, शाहनवाज जी और हम लोगों ने इकट्ठे काम युवा मोर्चे में किया है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है मैं उनका विरोध करता हूं, परंतु विरोध वसुंधरा राजे का भी हुआ है,
क्यों हुआ है? शिवराज सिंह चौहान लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और वो मध्य प्रदेश की जनता को कहें कि नहीं मैं हरिजन एक्ट लागू करके रहूंगा, आरक्षण कोई नहीं बद, ये लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। मुख्यमंत्री को भी अपनी लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मैं भदौरिया जी के पास जाऊं, उसके पहले संगीत रागी फटाफट आपके पास आ रहा हूं। आपके ऊपर तो बड़ा आरोप लग गया कि बिहार में अगर सरसंग चालक आपके बयान नहीं देते तो बीजेपी चुनाव नहीं हारती, आरक्षण इतना टची मामला है संघ और बीजेपी दोनों के लिए, ऐसी स्थिति में क्या आपने बीजेपी को सलाह नहीं दी कि SC ST एक्ट के लिए आप संसद के जरिए कानून मत पलटिए? देखिए, जहां तक मैं संघ को जानता हूं, संघ इन सब मामलों में बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं करती है। दूसरी बात, संघ समाज को, हिंदू समाज को सवर्ण और गैर सवर्ण के मुद्दे पर बांट करके नहीं चलती है। आपके हिंदू समाज का सरकार तो बांट रही है सर। एक मिनट, पूरा हिंदू समाज संगठित रहे। देखिए, सारी पार्टियां यही काम कर रही थीं, जब हम जाति के आधार पर सेनाओं को खड़ा करते हैं, जब जाति के आधार पर हम वोट का संचालन करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, मोबालाइज करते हैं, तब भी हम समाज को बांट रहे होते हैं, चाहे वो कोई सेना हो, रणवीर सेना हो, करनी सेना हो, कोई भी सेना हो। आप आरोप लगा रहे हिंदुस्तान में हिंदुत्व के नाम पे संघ, जिस संघ में मैं 10 वर्ष की आयु से खाकी निकर पहन के आपने मुझे हिंदू हिंदू सिखाया, आज आपको मुस्लिमों की चिंता है और आप आज करनी सेना के ऊपर आरोप लगा रहे हो। हम जातिवादी संगठन नहीं है, हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं। नो सर, हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं। हम लोग जिनके ऊपर अत्याचार होता है, जो दुखी होते हैं, उनकी आवाज उठाने का काम क्षत्रिय समाज आज से नहीं कर रहा सर। ये आपने सिखाया मुझे संघ में सर, मैं स्वयं सेवक हूँ सर। सर सुन तो नहीं सर, आप करनी सेना के लिए जाते हैं, मैं माफी ले लेता हूं, मैं विड्रॉ कर लेता हूं। मेरा सिर्फ करनी सेना के लिए नहीं कहेंगे सर, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। जहां भी मजेदार बात यह है कि आज हर जगह, मैं बिहार से होकर के आ रहा हूं, कल ही मैं लौट कर आ रहा हूं, आप जातीय सेनाएं वहां इकट्ठी हो रही हैं, कोई इस जाति के नाम पर, कोई उस जाति के नाम पर, और वहां पर इसी आधार पर कहा जा रहा है कि हमको इसमें आरक्षण दिया जाए, हमको उसमें आरक्षण। इनको जानते हैं आप, कौशल कांत मिश्रा को? नहीं, कौशल कांत जी आप मेरे को जानते हैं, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं कौशल, आपको लगता है ये अपनी नौकरी, घर, परिवार छोड़ के सड़क पे इसलिए बैठेंगे क्योंकि इनको बीजेपी का चुनाव हराना और ये किसी की जातीय सेना है? नहीं नहीं नहीं, मैं कौशल कांत जी ये बिल्कुल इस काम में नहीं लगेंगे। आप सुनिए उनकी बातें, आपको पता है। नहीं, कौशल कांत जी नहीं, अभी बेशक ये कह ले, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 में नहीं आएगी तो क्या आप ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी का समर्थक हूं, सर मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक हूं, परंतु ऐसे लोगों को जो चाइना और पाकिस्तान से सलाह देते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में जाएंगे? आप क्या काम करते हैं? मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये डॉक्टरी छोड़ के, ओपीडी छोड़ के सड़क पे खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनको लगता है जनरल कास्ट का हक मारा जा रहा है। क्यों आपको लगता है ऐसा? इसलिए क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये बीजेपी आज सत्ता में, इसके पहले कांग्रेस थी, इसके पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही है, और ये अमेंडमेंट जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा प्रोविजन होता है, यानी कि आपने कानून में बदलाव किया है, जब उसका बदलाव किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में बहस होती है और बहस घंटों, दिनों, महीनों चलती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आरक्षण वाले क्लॉज पे कई हफ्तों तक बहस हुई थी। आज जब SC ST का बिल लाया जाता है मॉडिफाई करके कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर, तो कोई भी बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप सारे पॉलिटिकल पार्टी, कहां कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कभी भी फॉरवर्ड, सो कॉल्ड फॉरवर्ड कैटेगरी के साथ नहीं खड़ी है। एक्चुअली जो कहा जा, मैंने पिछली बार कहा था और मैं आपको याद दिलाता रहना चाहता हूं कि ये एक्चुअली सोशियो पॉलिटिकल लिंचिंग हो रही है सो कॉल्ड फॉरवर्ड कैटेगरी की, जिसके साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी हुई है। वो कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब तो जाति के नाम पे बनी हुई पार्टियां हैं, जो कुकुरमुत्ते, मैं कहता हूं कुकुरमुत्ते हैं, जो आज बरगद बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जातिगत पार्टियां ही देश का नुकसान कर रही हैं। भदौरिया जी दीजिए जवाब। देखिए, एक चीज जान लीजिए, जो इस समय देश के अंदर वातावरण बन रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि 2014 के चुनाव में मोदी जी ने वादा किया था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और उसके बाद जब 2018 आया तो गडकरी जी ने तो एक गजब का बयान दे दिया कि इस देश में नौकरियां हैं ही नहीं, तो आरक्षण से कहां से नौकरी हम दे सकते हैं और ना वो हो पाएगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण रूप से फेलियर रहा है नौजवानों के मामले में,
और इसकी वजह से आज जो निराशा नौजवानों के हाथ लग गई है वो अगर 10 करोड़ को 5 साल में रोजगार मिला होता तो आज 50 करोड़ पर आज 50 करोड़ परिवार लोग पल रहे होते। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं हिंदुस्तान खुशहाल हो गया होता। और मैं ये भी कह दूं जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है हम लोग किसी भी हिंसा के पक्षधर नहीं हैं और ना हम इसको समर्थन देते हैं पर हम ये जरूर चाहेंगे कि जैसे सर्व समाज में 10 सेकंड ले रहा हूं आपकी पार्टी दलितों को उकसाती है ऐसा नहीं कि सवर्णों के तरफ से गलती नहीं होती है लेकिन आप जानबूझ करके जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है इस देश में एक ऐसा दलित नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है राजी जी एक बार इनको पूरा सुन ले राजी जी आप पूरा बोलिए मैं नहीं रोकूंगा मैं आपको नहीं रोकूंगा एक सेकंड नारा मत लगाइए भदौरिया जी नारे मत लगाइए भदौरिया जी नारे मत लगाइए एक सेकंड सफेद कमीज पहने शांति का प्रतीक है एक सेकंड रुकिए ये मुंह बंद करने वाला तो सर ये फिर आप ही लोग कर सकते हैं मुंह बंद मत कीजिए कम से कम मैं रोक रहा हूँ ना उनको आप अपनी बात पूरी कीजिए मैंने कौशल जी को रोका अमू जी एक सेकंड संघ के लोग बोलने नहीं देते आप बोल रहे हैं ना लोग सबको आप बोलिए आपको कौन रोक रहा है बोलिए अपनी बात रखिए प्लीज प्लीज बोलिए अपनी बात करिए समय जा रहा है अपनी बात करिए बीच में टोकटा भाई रोक दिया बोलिए मुद्दे पे आइए संघ के पहले इनको संघ संघ से पूछ लीजिए अगर संघ के लोग देखिए हमारा ये कहना है कि हम सर्व समाज की पार्टी हैं हम चाहते हैं चाहे वो सवर्ण समाज हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो और विशेषकर दलित और ओबीसी जिनके कंधों पर ये देश खड़ा है सबको रोजगार मिलना चाहिए इन लोगों को भी आरक्षण थोड़ा मिलना चाहिए जिन लोगों को सर्व समाज का कहा जाता है चाहे वो सवर्ण हो चाहे अल्पसंख्यक हो ये सही है सर भारतीय जनता पार्टी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया ये केवल जुमले पर जुमले देते रहे हैं और ये जब बिहार में चुनाव होता है तो कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाए इनके मंत्री कहते हैं आरक्षण देके बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं किसी ने नहीं कहा है कि आरक्षण खत्म हो जाए कि योगी जी कहते हैं आरक्षण के विश्लेषण की बात की गई है किसी ने नहीं कहा कि आरक्षण खत्म हो जाए मैं मेरे मोहन भागवत ने कहा मैं आप पढ़ना चाहिए साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं राघी जी एक सेकंड आप पढ़ना जानते हैं जो जानबूझकर के दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं रोहित जी इन्होंने अच्छी तरह जानते हैं सर रोहित जी इन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े के उसके हक में नहीं है 2 अप्रैल को जिन लोगों ने हिंदुस्तान को जलाया क्या बहुजन समाज पार्टी उनका समर्थन करती है नहीं जवाब दें आप 2 अप्रैल को हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से हिंदुस्तान के व्यापारियों की दुकानों को लूटा गया फैक्ट्रियों को जलाया गया बसें जलाई गई उनका आप समर्थन करते कि नहीं करते बताएं सर बताएं भदौरिया जी मैं आपसे बताएं सर हम किसी भी प्रकार की हिंसा के पक्ष में नहीं है बोलो ना 2 अप्रैल को गलत हुआ आपने तो नारे लगाए तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार तिलक तराजू और तलवार हमको मारो जूते चार जूते मारने की वकालत तो सबसे पहले आप ही लोगों ने करनी शुरू की थी भदौरिया जी सब काम तुम करोगे हम ये जूते मारने की वकालत तो आपने शुरू की थी हम 78% लोगों को हमारे पीठ को नंगा करके चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर आपके तो हर नारे में ये कुछ आया कि भाई छाती पे चढ़ जाओ जूते मारो आज आप कह रहे हैं कि देश को बांट रहे हैं दूसरे नहीं 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 अरे भैया हम पर जुल्म और अन्याय हुआ आप बोलते रहिए सर दलित हमारे भाई हैं बताइए ना उनको बांटने का काम आपने किया किस प्रकार दलितों के मुस्लिम हमारे भाई हैं देश को उनको बांटने का काम आपने किया बताइए ना देश को अब मैं देश को एक सेकंड रुक जाइए भदौरिया जी क्या ना हिंदुस्तान की आप तो राजनीति करते हैं SC/ST की भाई है नाम आपने रखा बहुजन समाज पार्टी राजनीति आप किसकी करते हैं ये सारे देश को पता है आप एक तरफ आपको एलर्जी है गुरु गोलवलकर से दूसरी तरफ बाबा साहब का नाम आते हैं आप गुरु गोलवलकर तुरंत खींच के ले आते हैं रुकिए एक बार प्रोफेसर साहब से कमेंट लेने दीजिए उम्मीद करता हूं जब वो बोलेंगे तो बीच में कोई चिल्ला चोट ना हो क्योंकि वो आमतौर पर इस तरह के हल्ला हंगामा वाला डिबेट से दूर रहते हैं एक बार उनकी बात सुन लेते हैं प्रोफेसर साहब एक चिंतक के नाते एक विचारक के नाते थोड़ा सा बताइएगा ये बंटवारा कहां से शुरू हो रहा है शुक्रिया बोलिए शुक्रिया रोहित और शुक्रिया रोहित और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 मिनट मुझे बोलने दिया जाएगा
मुझे लग रहा है कि पहले ये मान लेना चाहिए, हिस्टोरिकली ये संगीत भाई बैठे हुए हैं और सुन रहे होंगे मुझे, कि इस देश की वंचित जमात स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे लगातार हमले होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, और हालिया दिनों में ये हमले ज़्यादा बढ़े हैं। मुझे लगता है कि ये खाली सरकार का मसला नहीं है, संस्कार का भी मसला है, और इसको वोट की राजनीति से अलग करके देखा जाना चाहिए कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो काले झंडे दिखा ले रहे हैं, खाली अपना मन और मस्तिष्क साफ कर लिए रहते तो इस एक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन एक्सपीरियंस ये बता रहा है और आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगातार इस तरह के हमले बढ़े हैं, और शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं में भी भेदभाव दमन के लगातार, थोरट साहब की स्टडी भी है एम्स को लेकर और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर, तो ये हमें समझनी पड़ेगी। हल्ला हंगामा करने से नहीं, गंभीरता से बातों को समझने की ज़रूरत है। आज मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हिंदू कॉलेज में ही रहता हूँ और वहीं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। अगर पीछे आप विजुअल्स देखेंगे, मैं खुद ही एक केस स्टडी हूँ, और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि SC ST एक्ट कभी प्रभावी रहा ही नहीं, लागू ठीक से हुआ ही नहीं, कि पीछे देख रहे होंगे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पे मेरे खिलाफ़ पिछले 4 साल से मेरी मतलब जान निकालने की तमाम कोशिश हो गई। मुझे शो कॉज दिए जाते हैं तो उसमें जाति सूचक शब्द लिखे जाते हैं, मेरे ऊपर 2-2 बार महिला उत्पीड़न का फर्जी मुकदमा किया, दोनों में मैं जीता। इसके अलावा तमाम बहुत सारे इशूज हैं, मेरे घर के सामने कचरादान फेंकवा दिया गया है, कूड़े वहाँ डाले जाते हैं, वहाँ टूटे टॉयलेट के शीट वहाँ, सारे फोटोग्राफ सब कुछ है। मैंने पुलिस को SHO से लेके DCP, पुलिस कमिश्नर और माननीय राजनाथ सिंह से भी मिला हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए। 2016 में मैंने कंप्लेंट डाली थी, और मैं SC ST कमीशन में भी लंबित है, लेकिन आज तक 2.5 साल में 14 अगस्त को एक सब इंस्पेक्टर मेरे पास आए और सादा कागज़ में मेरे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए। मैं ये केस स्टडी इसलिए देना चाह रहा हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जो किताबें लिख रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, जो न्याय के लिए लड़ रहा है और इश्यूज उठा रहा है, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में दिल्ली के सरकार के नाक के नीचे उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप गांव में जो भूमिहीन मजदूर हैं, क्या वो थाने में जाते होंगे तो उनकी केस की सुनवाई होती होगी क्या? इसलिए मुझे ये कहना है बहुत ही विनम्रता से कि संवेदनशील मुद्दा है और इसको पार्टी आपने जो पॉइंट रखा है सर उसको लेते हुए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो शाहनवाज भाई बैठे हूं, एक क्या दो सवाल पूछ रहा हूं सर, बहुत सही कहा इन्होंने, दो सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे, नहीं दो सवाल पूछ रहा हूं प्रोफेसर साहब आपसे, एक ये सूरजपाल साहब यहां बैठे हुए हैं, इनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ, बाद में गलत साबित हुआ अदालत में, और जिस व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था उसके ऊपर अदालत के कहने से बाकायदे केस दर्ज कराया गया। दूसरा, जिस दिन मैं यहाँ डिबेट करता हूँ सर, जामिया मिलिया इस्लामिया की, वहाँ के टीचर, वहाँ के पढ़ाने वाले आते हैं सर, वो कहते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं या दलित हैं हमारे ऊपर वहाँ अत्याचार होता है क्योंकि उसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा है। सो इस देश की जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उसमें हर आदमी अगर व्यक्तिगत झंडा लेकर खड़ा हो जाए तो फिर तो हो गया सर सम्मान संविधान का। एक ही साथ इतना दो सवाल कहते सर, दो बताएं, नहीं नहीं तीसरे पे नहीं गए, सुनिए ना, एक ही साथ इतने सवाल पूछ लेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी। बोले 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 बोले, एक पहले सवाल का आंसर सुन लीजिए, पहले सवाल का सुन लीजिए, मैंने पुलिस कमिश्नर दिल्ली को और होम मिनिस्टर को कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन एक फेयर इंक्वायरी ट्रायल हो। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि कानून में ऑलरेडी प्रावधान है कि अगर कोई फर्जी मुकदमा चलाता है तो उसको जेल भेजा जा सकता है, नंबर 1, सुन लीजिए अभी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को 10-10 साल आतंकवादी के नाम पे जेल में डाला गया, बाद में वो बाइज्जत बरी हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये समझने की बात है, समझने की बात है। नंबर दो कि भाई आप जो पहले SC ST एक्ट के जितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, कितना कन्विक्शन रेट है, कितने फर्जी, पहले आप आंकड़ा इकट्ठा कीजिए, और आंकड़े ये शो करते हैं कि 8-9% तथाकथित फर्जी मुकदमे हैं, उसमें से प्रोसीडिंग का भी मसला होगा, उसमें से पुलिस कैसे ट्रीट करती है, कौशल बोल रहे हैं कुछ आपसे, आपको टीचर का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आप जो आंकड़े दे रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो साक्ष्य रखे गए हैं, NCRB का डेटा रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग 75% से ज्यादा मुकदमे फर्जी पाए गए हैं, और इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्ट को मॉडिफाई किया है। तो मुझे ये बता दीजिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि हम इसमें बदलाव कर रहे हैं तो क्यों कहा सर? रोहित साहब हाँ बोले ना, बोले बोले प्रोफेसर साहब, आप ही से पूछ रहा हूँ।
सुप्रीम कोर्ट को पहले साइंटिफिक सुप्रीम कोर्ट को पहले इसके साइंटिफिक स्टडी करना क्राइम नेशनल क्राइम सुप्रीम कोर्ट गलत है प्रोफेसर रतनलाल सही प्रोफेसर साहब आप मुझे ये बताइए जो एनसीआरबी का डेटा है क्या वो एक साइंटिफिक डेटा नहीं है क्या है ना आप इंक्वायरी तो कराते हैं ये प्रिजुडिस का मामला पूरा प्रोफेसर साहब सुप्रीम कोर्ट इस देश की प्रिजुडिस है प्रोफेसर साहब सुप्रीम कोर्ट प्रिजुडिस है सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो एनसीआरबी के डेटा दिए गए वो गलत दिए गए हैं क्या आप ये कहना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया क्या वो गलत आया है सिर्फ किसी के कहने पे आया है इस तरह की बहस नहीं करता कौशल एक सेकंड प्रोफेसर साहब मुझे केवल मुझे दो लाइन में बता दीजिए आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पूर्वाग्रहों से ग्रसित है दलितों के प्रति हाँ या ना इस केस में तो एकदम था इस केस में क्या होता सर सर जो चीज आपके इस केस में क्या होता सर इस केस में तो पूरा कानून पलट जा रहा है ना आज जब पार्लियामेंट पूरा आपके साथ खड़ा तब आप क्या कर रहे हैं सर अच्छा तो अब आपको दीपक मिश्रा का नाम याद आ गया सर कहिए कि वो ब्राह्मण है सर केरल के जजेस की बात करो ना सर उन्होंने अपने अपने जजेस के खिलाफ ऑर्डर दे दिया अरे उन्होंने ऑर्डर दिया है सर और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अनुसूचित जो आयोग है सर इनके पास अब एक काम कीजिए सर आप ही बोल लो रतनलाल जी सुनिएगा रतनलाल जी सुनिए आप तो यहाँ मुझे बोलने भी नहीं दे रहे आपको ही बोलने दे रहे हैं ना रतनलाल जी विक्टिम प्ले नहीं करने दूंगा रतनलाल जी यहाँ आप मुझ पे नहीं लगा सकते एसटी एक्ट हिंदुस्तान भाई मैं विक्टिम हूँ और मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा आपने पूरी बात रखी है पहले सवाल के जवाब में मैंने कोई टोका टाकी नहीं होने दी और ये कहते हुए आपको मौका दिया लेकिन अगर ये बहस हो रही है सर उसमें दूसरा आदमी कह रहा है आपके तथ्य गलत है आपको भी जवाब देना चाहिए इन्होंने कहा कि अगर फर्जी मुकदमा पाया जाता है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए फर्जी मुकदमे वालों को भी अनुसूचित आयोग फाइनेंशियल मदद करता है ओके क्या वो पैसा वापस करेंगे ओके आप बताइए प्रोफेसर साहब अरे आप मुझे लगता है प्रोफेसर साहब वर्सेस आप दोनों वन ऑन वन मत कीजिए जो केसेस होते हैं उसी कोई सुनवाई नहीं होती है वन ऑन वन नहीं मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है आपका झगड़ा नहीं मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं गलत इंफॉर्मेशन दी ठीक रतनलाल जी आप हमारे ही अपने हो ओके परंतु ऐसे नहीं क्या आप यहां पर भी वही ड्रामा करोगे हमें दबाया जा रहा है उदित राज को दबाया जा रहा है हमारे बड़े भाई मित्र और संगीत राज के बैठे हैं उनसे पूछे जा रहा क्या रख रहे हैं तो बोली नहीं रे सर हमने तो रोक रखा उनको हमको कोई नहीं दबा रहा कि फिर आपको लगेगा कि भाई इनको छोड़ दिया हमारे ऊपर फिर आप कहने लगे आरएसएस वाले तो बोलने नहीं देते आतंकवाद फैलाते हैं मुंह बंद कर दीजिए इनका फिर आप उस पे आ जाएंगे इसलिए मैंने रागी साहब को बोलने नहीं दिया अभी तक हमारे भाइयों आप परंतु कानून का दुरुपयोग गलत है ठीक है एक सेकंड अमू साहब कह रहे हैं आप हमारे भाई हो लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा है अब मुझे भदौरिया साहब मैं इससे पहले कौशल के पास जाऊं वो बोलना चाहते हैं आपसे पूछ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित है क्या सुप्रीम कोर्ट दलितों के खिलाफ भेदभाव करता है इसलिए उसने कानून में बदलाव कर दिया भदौरिया साहब बोलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान की परिभाषा करने का सबसे बड़ा संस्थान है पर देश के लिए उसके संचालन के लिए इस देश के अंदर संसद है और इस देश की चुनी हुई सरकार है इस देश की चुनी हुई सरकार और इस देश की संपूर्ण संसद ने कुछ विचार विमर्श करके फैसले लिए हैं और वो दलित उत्पीड़न के संबंध में जब विचार विमर्श नहीं हुआ एक नहीं बोला बिंदुला की घटना घटी जब सहारनपुर की घटना घटी भाई ये देखिए बोलने नहीं देना चाहिए हमारे ऊपर झूठे मैं ये कह रहा हूँ मैं राजपूत समाज के ऊपर उत्तर दलित पर मेरे सर सहारनपुर की बात ना करो अरे भाई एक लड़का सुसाइड करता है अपने घर में गोली चलाता है मुकदमे राजपूत समाज के ऊपर दर्ज हो गए मैं मुझे कहने तो दीजिए अपनी बात हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए जहां भी बारात निकल आप सर अरे भाई आप चलिए बोलने दीजिए इन्हीं को बोलने सहारनपुर में हमारे खिलाफ गलत हुए भाई आप उनको बारात निकालने दीजिए पहले एक सेकंड भाई उनको बारात निकालने दीजिए पहले एक सेकंड सहारनपुर की बात कैसे कर रहे हैं अच्छा रुकिए तो सही उनकी बात पूरी होने दीजिए सहारनपुर की बात अरे आप लोग राजनीति करते हैं ठीक है लोकसभा में नहीं बोलते ठीक है आप बोलने नहीं देना चाहते तो आप एक सेकंड पहले उनको सुन तो ले उनको सुन ले या आपने पहले राय कायम कर ली कि वो यही बोलेंगे सुन ले उनको एक बार फिर आप बोले कोई दिक्कत नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि जब भी जहां पे भी बारात देखिए एटा से लेके हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों में जब बारात निकाली जाती है दलितों की तो उनको घोड़े से घसीट के मारा पीटा जाता है और उनकी बारात को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता तो पूरे देश की संसद ने ये महसूस किया सभी लोगों ने महसूस किया इसलिए ये कानून बना
और उस कानून में अगर तब्दीली आ रही थी तो संसद ने महसूस किया कि ये कानून उसी प्रकार से रहना चाहिए जैसे पहले से था। तो उसमें अब यूपी पुलिस ने सर बारात निकलवाई है, परेशानी है वो बेरोजगारी की वजह से। निकलवाई लेकिन ये नौबत तो आई ना घरों के अंदर, ये नौबत तो आई ना, ये नौबत तो आई ना कि पुलिस बुलानी पड़ी क्योंकि घोड़े पे बैठना चाहता था दूल्हा। इस बात को तो इनकार मत कीजिए कम से कम कि पुलिस के साथ बारात निकालनी पड़ी उस आदमी को, इस बात से तो मना मत कीजिए। लेकिन एक सेकंड शाहनवाज जवाब दे दे, शाहनवाज जवाब दे दे। शाहनवाज जी, पूरे देश की संसद खड़ी थी, पूरे देश की आवाज थी, आप लोग ये कह रहे हैं क्योंकि संसद में चुनके आपको भेजा जाता है, ये कौन है जो सड़क पे नारा लगा रहे हैं? ये कौन है जो कह रहे हैं कि हम जनरल कास्ट है, हमारी पॉलिटिकल लिंचिंग कर रहे हो आप लोग? ये कौन है फिर? ये वोट नहीं देते क्या, या इनका वोट लेना नहीं आपको? देखिए आज जो शिवराज जी के यात्रा में जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बैनर कुछ भी हो, ये उनकी यात्रा को डिस्टर्ब करने गए हैं, एक बहाना ले लिया है। दूसरी बात ये है कि हमने पहले कहा कि हम एक नज़र से देखते हैं, हमें समाज के हर वर्ग की चिंता करनी, हमें किसी को नाराज़ नहीं करना, ये सबका देश है, सबकी चिंता करनी है, और ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी के साथ अन्याय भी ना हो। हम न्याय के साथ विकास चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि घोड़े पर भी लोग बैठ के निकलें, हम चाहते हैं कि जूते भी सब पहने, हम चाहते हैं कि समाज के जो अंतिम पादान पर व्यक्ति है, अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, एकात्मानव दर्शन ही यही है। तो जो समाज में पीछे छूट गए हैं उनके लिए आज आरक्षण जरूरी है, तो आरक्षण चल रहा है। दो आरोप हैं आपके ऊपर, जो समाज में बहुत उपेक्षित हैं, सुनिए ना सर, वो जो एक कानून है उनका कवच था, उनको तो उनको कवच दे रहे हैं। एक आरोप कांग्रेस लगाती है सर, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे रहे। एक आरोप कांग्रेस लगाती है कि पंक्ति में जो सबसे पहले खड़ा है यानी कि उद्योगपति, आप उसके साथ हैं। दूसरा, बीच में खड़ा हुआ आदमी लगाता है कि आप अंतिम वाले के साथ भी हैं, लेकिन बीच वाले को आपने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया आपने। ये बैठे हैं कौशल कांत मिश्रा, ये कह रहे हैं यहाँ बैठकर, ये बैठे हैं सूरजपाल, ये कह रहे हैं यहाँ बैठकर। रोहित जी, आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि आज आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी अनर्गल आरोप लगाती है सर, उसका रेफरेंस भी मत दीजिए। कांग्रेस पार्टी का तो काम है कहना कि उद्योगपतियों की सरकार है, ये तो कांग्रेस, ये सरकार जनता की सरकार है, जनता के जरिए चुनी गई सरकार है, ये सरकार सबकी चिंता कर, जिन्होंने वोट दिया उसकी भी सरकार है जी। ये कौशल कांत जो बैठ के आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, इनको कांग्रेसी कह के खारिज कर देंगे हम लोग? इनको कांग्रेसी कह के खारिज कर दें? नहीं नहीं, मैंने तो रोहित जी आपके सवाल का जवाब दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके सवाल को ये डॉक्टर साहब अपनी ओपीडी छोड़ के यहां बैठे हैं सर, आपने सवाल पूछा मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं, इनको कांग्रेसी कह के खारिज कर दें क्या? ये सूरजपाल जी, अरे मैं भी तो कांग्रेस का एजेंट बन गए क्या टीवी में कोई ना कोई काम? मैं कहां इनको कुछ कह रहा हूं साहब, इनको मैंने कुछ कहा नहीं, मेरा मेरे ऊपर क्यों इल्जाम आयद कर रहे हैं कि मैंने इनके बारे में कुछ कहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपके रोहित जी, आपके सवाल का सर, मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, अगर डॉक्टर साहब पूछेंगे, कौशल कांत जी जब पूछेंगे तो मैं उनका जवाब जरूर दूंगा, पहले मैं आपका जवाब तो दे दूं, आप ही ने तो कहा कि शांति से जवाब देना। कौशल साहब पूछिए अपना सवाल, कौशल साहब कोई भेदभाव नहीं हो रहा, नहीं तो रोहित जी बुलाते क्या मुझे? कौशल साहब पूछ रहे हैं, प्रवक्ता हूं यहां पर बैठा हूं, पूछिए कौशल साहब क्या सवाल है आपका? मैं आपको, मैं जवाब तो रोहित जी, मैं आप सवाल आपने पूछा, ठीक है, आप कौशल जी का सवाल सुन लीजिए, कौशल साहब के पूछिए सवाल अपना, पूछिए सर। अंतिम पावदान पे जो व्यक्ति खड़ा है ना, उसकी ना कोई जाति है ना कोई उसका धर्म है, उसके पास खाने को रुपया पैसा खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उस अंतिम पावदान पे खड़े व्यक्ति को जाति और धर्म में तो आपकी पूरी पार्लियामेंट ने बैठ के एक साथ डिसाइड कर दिया है, तो अंतिम पावदान वाले की बात तो मत करिए। ठीक, आज की अगर इतनी बड़ी मेजोरिटी थी आपके पास, आप चाहते तो पूरे देश में जाति धर्म खत्म कर सकते थे और एक ऐसी सरकार ला सकते थे जिसका आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। सर, आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि सारी जातियों को खत्म कर देना चाहिए और आदमी को सिर्फ हिंदुस्तान के सिटीजन के बिहाफ पे एड्रेस करना चाहिए, तब आप सही न्याय कर पाएंगे। कोई यहाँ किसी सरकार के अगेंस्ट खड़ा नहीं है, मैं भी मोदी का समर्थक हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार कुछ भी गलत करेगी और हमसे बर्दाश्त करेगी। मैं जवाब दे दूं, बोलिए जल्दी से, फिर रागी साहब आप बोलिएगा, जल्दी बोलिए। शाहनवाज जी, वो तो कह रहे हैं आप लोग आए थे ऐसी बातें करके। देखिए हाँ जल्दी, वो
देखिए हम जो आए थे समा, हमने जब कहा अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करेंगे तो मैंने जाति नहीं बोला, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हमारी सरकार जो गरीबों के लिए योजना बना रही है, जो गैस का चूल्हा गैस का सिलेंडर उसको दे रही है, उसमें जाति और धर्म नहीं लिख रही, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी चिंता कर रही है। हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास की चिंता कर रही है, और हमारी सरकार 125 करोड़ हिंदुस्तानी को एक सूत्र में बांधकर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी इस देश में राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, और राष्ट्रवाद हमें सिखाता है कि समाज में जो जाति के नाम पर भेदभाव है उसको भी मिटाना हमारा काम है। सर, तो हम सबको सब अच्छा चल रहे होगा इस सरकार का, आप नहीं कह सकते कि एक विशेष जाति की सरकार है। कहा ना हमने, आपने कहा कि बीपीएल का सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे क्यों नहीं करते थे आप सारी चीजों को? आपको सुना था ना, अगर जवाब ले लीजिए ना, मैं सारी चीजों की बैकवर्डनेस का आउटकम जो है, मैं आपको कह रहा हूँ, क्या गरीब का बेटा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ सकता है? क्या मॉडर्न स्कूल में पढ़ सकता है? समाज को जब तक बराबरी नहीं दे दी जाएगी, जब तक आप ये बात सिर्फ तर्क के तौर पे कह सकते हैं, हम समाज में बराबरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे ना हो, ताकि एक स्कूल में सब पढ़े, एक तरह की व्यवस्था सबको मिले। इसमें आप पक्ष में है कि नहीं? सर मैं भी गांव वाला हूं सर। तो फिर ये कहना कि जो पढ़ लिख के जो भी फॉरवर्ड है वो गांव से नहीं आया, ये गलत है। पेड़ के नीचे बोड़ा बिछा के पढ़ा हूं, उसी स्कूल का मैं भी हूं, उसी स्कूल का मैं भी हूं सर, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल में, वहां पे ब्लैक बोर्ड फुट उठा के लेके जाना पड़ता था, बोरा जमीन पे बिछाना पड़ता था।